हफ्ते आपको मालूम है कि ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि 18 to 45 ईयर्स जो एज ग्रुप है इसमें कोविड वैक्सीनेशन सरकार उसका खर्चा उठाएगी, सरकार फ्री प्रोवाइड करेगी, वैक्सीन फ्री प्रोवाइड करेगी। उसी के चलते आज यहाँ SMHS में जो पेन मैनेजमेंट सेंटर है यहाँ पर आज इसकी शुरुआत की गई है। और जो 18 to 45 एज ग्रुप है उसमें अलग अलग जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि फेज़ वाइज इसको रोल आउट किया जा रहा है। टू बिगिन विद जो सेंटर सेटअप किए गए हैं उसमें उसकी लिस्ट पढ़ देता हूँ। सब सेंटर नटीपुरा, UPHC निशात, SMHS हॉस्पिटल, स्किम सौरा, GB पंत हॉस्पिटल, उसके बाद बॉयज सेकेंडरी स्कूल NIT, मरिंडा चिंकारा मोहल्ला, कम्युनिटी हॉल सेंट्रल, उसके बाद हेल्थ सेंटर मस्कीन बाग, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बटमालू। ये सेंटर जो हैं ये इमीडिएटली 10 सेंटर ये आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद बाकी सेंटर्स भी ऐड कर लिए जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 18 to 45 ईयर्स में एलिजिबल लोग हैं उन सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि पहले अपने आप को कोविन ऐप पर रजिस्टर कर लें, क्योंकि वाकई वैक्सीनेशन नहीं होगी। ये बात बिल्कुल वाजिया हो कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर विदाउट रजिस्ट्रेशन भीड़ न डालें। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ सभी से कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा के अपॉइंटमेंट लेकर ही आएँ। दूसरी बात, अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ सरकार ने 18 to 45 ईयर्स एज ग्रुप के लिए वैक्सीन रोल आउट किया है, वहीं अहम बात यह है जो मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि वैक्सीन इज़ द मैजिक बुलेट, इट इज़ द अल्टीमेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वैक्सीन कराने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। जितना भी कोविड प्रोटोकॉल बताया गया है वक्तन फक्तन जो आज मैं समझता हूँ कि हर शख्स ने की ज़बान पर है रटा हुआ है बिल्कुल, उसको फॉलो करें। जिन्होंने फर्स्ट शॉट ले चुके हैं सेकंड शॉट का इंतजार है, कितना और इंतजार उनको करना पड़ेगा कोविशील्ड? देखिए इसकी सप्लाई आ चुकी है, कोविशील्ड की सप्लाई हमें आ गई है और सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। देखिए मैं आपको एक बात और बताता चलूं, श्रीनगर ज़िले में अगर आप 15 दिन पीछे देखें, 2 हफ्ते पीछे देखें, तो पर डे जो हमारा वैक्सीन होते थे बहुत कम थे। आज हमारा रन रेट बहुत अच्छा है, जम्मू कश्मीर में टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो पर डे वैक्सीन होते हैं उसमें टॉप मोस्ट फिगर्स आते हैं श्रीनगर के। इसीलिए वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई है और वैक्सीन सफिशेंट क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं अब, और आगे आने वाले दिनों में भी इसको मुहैया दस्तियाब रहेगा। सवाल, बहुत सारे लोगों को अप्रिहेंशन है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, बहुत सारे सेंटर्स पे हम वहाँ पर बैनर चस्पा किए गए थे वैक्सीन नॉट अवेलेबल प्लीज कम आफ्टर फ्यू डेज, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? फिलहाल ये पता है कितने सेंटर्स ऑपरेशनल है और कितने बाकी कब तक हो जाएंगे? देखिए मैंने 18 to 45 एज ग्रुप के लिए मैंने 10 सेंटर्स के नाम यहाँ पढ़े हैं और ये नाम हम पब्लिश भी कर देंगे। इसके अलावा मज़ीद सेंटर्स जो ऐड हो जाएंगे, उससे पहले ज़रूरी ये बात है कि 18 to 45 एज ग्रुप में जो लोग फॉल करते हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप कोविन ऐप में अपने आप को रजिस्टर करा के अपॉइंटमेंट लें। ऑक्सीजन के बारे में ऑलरेडी बताया गया है, 2000 LPM हमने पिछले एक हफ्ते में ऐड कर दी है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी ऑक्सीजन की है वो भी सफिशेंट है, हमारे पास 2000 LPM ऐड कर दी है। अगले 2-3 दिन में स्किम्स एक और ऑक्सीजन सिलेंडर ऐड कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में। उसके अलावा जो CD हॉस्पिटल है वहाँ पर भी 1500 LPM का प्लांट जो है उसका काम चल रहा है, जोरों शोरों पर चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी शॉर्टली कमीशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की दस्तियाबी जो है हमारे हॉस्पिटल्स में सफिशेंट मकदार में है और आने वाले दिनों में भी ये बिल्कुल रहेगी, अवेलेबल रहेगी। मैं अपील करना चाहता हूँ कि किसी किस्म का पैनिक ना फैलाया जाए, ना पैनिक करने की ज़रूरत है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शंस पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है खड़ी है, आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है और हम आवाम को सफर नहीं करना। हेमोफेलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर, हेमोफेलिया में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज मुआलजा, बाजाबादकारी और किफालत के लिए सरगर्म है।
जो मौजूदा हालात में मजकूरा मरीजों को हर मुमकिन मदद करने में मसरूफ है। लिहाजा इदारा वादी कश्मीर के गयूर अवाम से गुजारिश करता है कि अपने सदकात व जक़ात इदारे के दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करके अजर अजीम पाएं।